मैं साहू राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य भारत सरकार। जी महिलाओं के लिए ऐसा क्या योजना लेकर के भारत सरकार आ रही है जो उनको मूर्त रूप से इसका फायदा मिल पाए? और आप बंगाल से हैं तो कहीं ना कहीं बंगाल लगातार पिछड़ा रहा है कहीं ना कहीं। देखिए मैं बंगाल से नहीं हूँ, बिहार से हूँ और मेरे अंतर्गत 10 राज्य हैं, मैं 10 राज्यों की प्रभारी हूँ। और रही बात कि भारत सरकार क्या कर रही है, मुझे लग रहा है कि जो आज जो परिस्थितियाँ बनी हैं, आप सिर्फ एक परिकल्पना करिए ना, इस पूरे देश के रक्षा का भार एक महिला के हाथ में सौंपा गया, ये बड़ी बात नहीं है? इस पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने इसको स्वीकारा है और कई जगह से शुभकामनाएं मिली हैं। हमारा सर गौरव के साथ उठता है कि इस पूरे आज तक मर्दों ने ही रक्षा का भार उठाया है, पहली बार एक महिला ने पूरे एक एक भाइयों के भी भार माने उनकी सुरक्षा का भार उठाया है। ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है और ये 50% आबादी के लिए भी बहुत गौरव का क्षण है। आज विदेश मंत्रालय उनके हाथ में है, टेक्सटाइल मिनिस्टर हमारे साथ हैं, दूर संचार मंत्री हैं, महिला बाल कल्याण हैं, महिला बाल कल्याण की राज्य मंत्री हैं, कितने मंत्रालय के बारे में बात करिएगा। आज मोदी जी ने जो सौभाग्य दिया है, जो सम्मान दिया है, वो वाकई में हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है और हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अब तक आज़ादी के बाद क्या ये पहली सरकार है जो महिलाओं को इतनी बड़ी भागीदारी कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में दिया है? देखिए मोदी जी कृत संकल्पित हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को अभी तक तो बचाने की बात कर रहे थे और मुझे लग रहा है पूरे भारतवर्ष में इस आधी आबादी के प्रति श्रद्धा और इज्जत आई है। आज बेटियों को जो हम भ्रूण हत्या करते थे, क्योंकि मैं राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य हूँ, इस नाते भी कह सकती हूँ कि जिस तरीके से भ्रूण हत्याएँ होती थी, वो भ्रूण हत्याएँ अब बंद हो रही हैं, उन पर लगाम लग रहा है और जो लोग ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं तो उनके सामने वो जेल के सपने, इस सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो डॉक्टर कभी इन्वॉल्व हुआ करते थे, आज खुद इन चीज़ों से परहेज कर रहे हैं और बेटियों को ज़िंदगी देने के लिए इन चीज़ों में आ गया रहे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम बेटियों को बढ़ाएंगे भी, बेटियों को पढ़ाएंगे भी और बेटियों को जो वाजिब हक है वो भी देंगे। और ये जो सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो बिल्कुल वाकई ये काम कर रही है। आप बंगाल के भी इंचार्ज हैं, वहाँ मुख्य रूप से आपका वर्क क्या है, क्या आपका वर्क रहता है? देखिए वहाँ जो घटनाएं घटती हैं वो उसका मैं अवलोकन करती हूँ, निरीक्षण करती हूँ और सरकार को रिपोर्ट देती हूँ। तो अभी दुलागढ़ कांड था, आपने देखा था, मैं बिल्कुल अचंभित थी स्थिति देख करके, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि किस तरीके से बर्बरता वहाँ दिखाई गई थी, औरतों को बाल और साड़ियों से खींच खींच कर बाहर निकाला गया था, उनको निर्वस्त्र किया गया था और साथ ही साथ उनको एक एक अनाज के लिए, वो एक एक खाने के लिए, एक एक पानी के लिए तरस गई थी। लेकिन मुझे, मैं एक बात बहुत दिल से कहना चाहती हूँ कि ममता दी जी, जब आप सरकार में आई थी, हम फक्र से सीना चौड़ा किए थे हम आदि आबादी ने कि एक महिला होकर के एक राज्य की मुख्यमंत्री बनी है और एक ऐसे राज्य की जो दुर्गा की आराधना करता है। लेकिन मुझे शर्म के साथ और बहुत खेद प्रकट करते हुए ये कहना पड़ रहा है कि आपके हाथ से न बेटियां सुरक्षित हैं, न माँ दुर्गा सुरक्षित है। कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा को लेकर के भी ममता बनर्जी ने रोक लगाई है कि शक्ति शस्त्र पूजन लेकर के ये प्रदर्शनी नहीं करेंगे। देखिए वो बहुत डरी हुई महिला है, शुरू में बहुत धींगे हाँकती जरूर थी, पर आज उनका जो रूप है ना, मुझे लगता है एक दीनहीन व्यक्ति होता है ना, जो चारों तरफ से लाचार है, उसकी सारी व्यवस्थाएं उन्हीं की वजह से लचर हो चुकी हैं। आज ममता जी बिल्कुल लाचार है, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती, वो किसी तरीके से अपनी सत्ता को बचा करके रख लें और जिस तरीके से अपने बागी तेवर जो कभी जनता के लिए उठा करती थी, आज जनता को बर्बाद करने के लिए और जनता की, मैं कह सकती हूँ ना, उनकी भावनाओं की हत्या करने के लिए आज उठ रही हैं। कहीं ना कहीं मोहन भागवत को पहुंचना था, उनके लिए प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया, जगह नहीं आमंत्रित किया गया, अमित शाह को लेकर के भी। देखिए मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बातें नहीं कर सकती, महिला की सुरक्षा की बातें कहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि ममता जी, जब अंत समय आ जाता है, स्वयं विवेक मर जाता है, तो ये सारे लक्षण आप में परिलक्षित हो रहे हैं। आप स्वयं विचार कर लें कि अब किसका अंत आने वाला है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एज ए CM दूसरी बार मौका मिला है, दिशा विहीन हो रही है, कहीं ना कहीं तुष्टिकरण के पीछे
मैं नहीं कहती कि आप तुष्टिकरण ना करें, आप मैं कहती 100% तुष्टिकरण करें ना, लेकिन और लोगों ने भी आपको अपनी सहमति दी है और आपको जो राज्य चलाने में अपनी भूमिका अदा की है वोट के रूप में, तो मुझे लगता है कि वोट की राजनीति बंद करके एक इंसानियत की राजनीति आप शुरू करें और जो आपके यहाँ बहू बेटियों की जो इज्जत आबरू नीलाम हो रही हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है, और न्याय मिलना तो बहुत दूर की चीज़, उनके उनके सारे केसेस को कैसे दबा दिया जा रहा है, वहाँ की स्थानीय मीडिया क्या कर रही है, स्थानीय मीडिया उनके इशारों पर चलती है और इशारों पर चलने के कारण आज कोई भी घटनाएं बड़ी जो भी घटनाएं घटती हैं वो बिल्कुल नहीं बंगाल से बाहर आती है। मैं दुलागढ़ कांड में गई थी, मैं अभी 3-3 इंक्वायरी में गई हूँ, विश्वास करिएगा एक स्थानीय मीडिया वहाँ पर नहीं था, सिर्फ नेशनल चैनल ने, कुछ नेशनल चैनल जी न्यूज और एक दो चैनल ने ही उस चीज़ को हाईलाइट किया, बाकी सारी मीडिया क्या है, आप पांचवें स्तंभ हैं समाज के स्तंभ, क्या किसी का भार स्वीकार करता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए किसी राज्य के अधीनस्थ हो जाता है, ये सोचने का विषय है। दुलागढ़ के जो कांड घटनाएं हुई उसको आप किस रूप क्या कहना चाहेंगे उस पर? एक देखिए, मैं एक ही शब्द में कहना चाहती हूँ कि मानवता की हत्या, मानवता के विश्वास की हत्या, और साथ ही साथ महिला उनके अहंकार का परचम और बेटियों की इज्जत आबरू का नीलामी होना, महिला सीएम के रहते इसलिए तो अफसोस हो रहा है, अगर वो महिला सीएम नहीं होती, मैंने क्या कहा जब वो बन के आई थी, हम बहुत गौरवान्वित हुए थे कि एक महिला से किसी भी दल से हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने अपना अत्याचार, आप तो बिल्कुल माँ तो कभी बन ही नहीं पाई, आपको अपनी जनता की माँ बनना था, आपको अपनी जनता का मनुष्य सेवक बनना था, आपको अपनी जनता का रक्षक बनना था, पर आप तो कुछ बन ही नहीं पाए, आप तो एक राजतंत्र करने लगी और आप तो एक राजयोगी के मार्फत बिल्कुल आप वहाँ पर, तो आपने तो ये जिसको कहते हैं ना एटीट्यूड के साथ, एक डोमिनेटिंग नेचर के साथ आपने सिर्फ राज करना सीखा है, तो एक राजतंत्र किससे चलता है, जनता से, और ये जब आप जनता को ही नहीं स्वीकारेंगे और जनता की भावनाओं की इज्जत ही नहीं करेंगे फिर आप कितने पल भार रह पाते। अब बिहार से पटना।